The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। जैसे कि आप जानते हैं, हम हेल्थ और हेल्थ केयर के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। सारे वीडियोस ऑथेंटिक होते हैं, वेरीफाइड होते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी किडनीज़ को कैसे बचा सकते हैं। प्रोफेशनल टिप्स फॉर प्रोटेक्टिंग और कीपिंग योर किडनीज़ हेल्थी। सो किडनीज़ बचानी है। किडनी क्या है, किडनी का काम क्या है? दो किडनी आपके शरीर में भगवान ने दी। किडनीज़ का काम है यूरिन बनाना। पेशाब के थ्रू सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं। सो जितने ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जितने ज़्यादा काम करना पड़ेगा किडनी को, उतना ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपको समझनी ये है कि किडनी में प्रॉब्लम होती है कुछ बेसिक कारणों से, जो आप नहीं करते, नहीं संभालते, बीच बीच में दिक्कत करते हैं और करते रहते हैं अनदेखे, अनसोचे, अनसमझे, इसलिए आगे चल के किडनी डैमेज हो जाती है। उसमें सबसे बड़ा, सबसे ख़तरनाक चीज़ है नमक। जी हाँ, नमक। जो हम नमक खाते हैं, नमक किसी भी प्रकार का हो, चाहे काला नमक, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, टाटा नमक, कोई भी नमक, आयोडाइज नमक, नॉन आयोडाइज नमक, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड वाला नमक में जो सोडियम होता है वो दिक्कत करता है। सोडियम, क्योंकि जब आप ज़्यादा ले लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा रिटेंशन होने लगता है, पानी रुकेगा ज़्यादा और किडनी के ऊपर लोड आएगा उस सोडियम को निकालने का। और जब किडनी के ऊपर लोड आएगा, वर्कलोड ज़्यादा आएगा, तो क्रोनिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किडनीज धीरे 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 ख़राब होती हैं। और लिवर की तरह किडनी भी ऐसी है जो इनिशियल स्टेज में, या कि आधे स्टेज में, या बहुत 75%, 3/4 तक, यानी 4 में से 3 हिस्से किडनी के जब तक ख़राब नहीं होंगे, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, आपको कोई सिम्टम भी नहीं आएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और किडनी दोनों ख़राब होगी। एक ख़राब भी हो गई पूरी तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा, दूसरी किडनी काम कर भी रही है तो अच्छे से, दूसरी किडनी का भी आधा हिस्सा, आधे से कम हिस्सा काम कर रहा है तो भी काम चलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। सो नमक ज़्यादा खाना अपने आप में ख़तरनाक है। अब घर में नमक डालना कम करने की जगह नमक सोचिए कहाँ कहाँ होता है। और बाहर के जो फ्राइड चीज़ें आप खाते हैं, बाहर के जो चिप्स, क्रिस्पीज या जो भी पैकेट में बंद चीज़ें हम खाते हैं प्रिजर्व्ड वाली, उन सब में ख़तरनाक मात्रा में नमक होता है, अच्छी मात्रा में नमक होता है। सो नमक कम खाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने नमक के ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ नमक या सॉल्ट बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो आपको हमारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे। वो सारे वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम कितनी मात्रा में नमक चाहिए। वैसे ऑन एन एवरेज अगर आप नॉर्मल डाइट देखेंगे तो 2300 मिलीग्राम नमक ही आपको खाना होता है पर डे, और 1500 मिलीग्राम इज़ द लो सॉल्ट डाइट। मतलब 1000 से लेके 2300 तक खाना होता है। ज़ीरो नमक खाएंगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा नमक खाएंगे तो भी दिक्कत है। सो नमक इज़ नंबर वन। सो कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ नमक, टू मच नमक से किडनी ख़राब होती है। दूसरी चीज़ जो किडनी ख़राब करती है, ये होता है इनएडिक्वेट वाटर, कम पानी। अगर आप पानी कम पीते हैं तो किडनी के ऊपर प्रेशर भी कम पड़ता है, क्योंकि वो प्रेशर, मतलब वो वाला प्रेशर नहीं, फिल्ट्रेशन प्रेशर, फिल्टर करने का प्रेशर ही नहीं है तो फिल्टर ही नहीं कर पाती है। बैड स्टफ्स, पत्थर, स्टोन्स, ये ज़्यादा कॉमनली होते हैं। जितने ज़्यादा स्टोन उतना ज़्यादा किडनी में इन्फेक्शंस का चांसेस, किडनी में ब्लॉकेज का चांसेस, और ऐसे में किडनी ख़राब होनी शुरू होती है। एक बार क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई तो भाई साहब वो रिवर्स नहीं होती। अब जो मर्जी कर लो, जितनी किडनी ख़राब, जितना लीवर ख़राब, वो ख़राब, वो परमानेंट ख़राब हो जाता है। लीवर किडनी में नहीं रिवर्स होता, ये बात याद रखिएगा। सो टू मच वाटर, मतलब इनएडिक्वेट वाटर, तो वाटर कम पीना ख़राब है। पानी ज़्यादा पीने से किडनी में कोई दिक्कत नहीं होती है एज सच, ये बात याद रखिए। नमक ज़्यादा ले लेने से ज़रूर दिक्कत हो जाती है। तो ज़्यादा नमक, कम पानी, ये दो सबसे बड़े कारण हैं किडनी डैमेज के। और तीसरा जो कारण है वो है आपका ब्लैडर को टाइम पर खाली नहीं करना, नॉट emptying द ब्लैडर ऑन टाइम। अगर आपको आ रही है यूरिन तो आपको बहुत लंबे समय तक पूरा फुल ब्लैडर रख के उसे कंट्रोल करते जाना अच्छा नहीं है। उससे भी किडनीज़ के ऊपर प्रेशर आता है,
ये तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है, जब यूरिन आ रही है कर दो कोई बात नहीं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किडनी डैमेज करती है, वो है कैफीन। जी हाँ, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कैफीनेटेड ड्रिंक्स जो हम लेते हैं, अपना जो पता नहीं वो क्या क्या आती है, कैफीनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं जो दूसरी है ना, वो सारी बेकार होती हैं। कैफीनेटेड ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कैफ़ीन के ऊपर भी एक फुल डिटेल वीडियो है हमारा, ज़रूर देखिए अगर आप कैफ़ीन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कैफ़ीन को समझना चाहते हैं। तो ये हुई बाकी चौथी चीज़। और पांचवी बड़ी चीज़ है जनाब, आपके पेन किलर्स। पेन किलर्स मीठी गोलियों जैसे नहीं खाने चाहिए। पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स, ऐसी मेडिकेशंस बहुत बार लेने से किडनी पे बहुत हैवी स्ट्रेस आता है। और पेन किलर्स जो लोग लंबे समय तक लेते हैं, घुटने के पेन, पीठ के दर्द, सर में दर्द, ऐसे लोगों की आगे चल के किडनीज ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको पेन किलर लंबे समय नहीं लेना है, अनलेस एंड अनटिल नीडेड। तो पेन किलर कुछ दिनों, 4 दिन, 5 दिन के लिए लेने में कोई हर्ज नहीं है। हम लंबे समय का मतलब महीनों की बात कर रहे हैं, वीक्स की बात कर रहे हैं। बहुत लंबे समय तक लोग देते हैं पेन किलर और उससे हो जाता है बेड़ा गर्क। ठीक है, ये हुई आपकी मेन 5 रीजन्स। उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आपको कोई भी कोल्ड फ्लू इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी, खांसी, बीमारी, उसको इग्नोर ना करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं, उनका ट्रीटमेंट में रेस्ट लें, पानी ज़्यादा पिए, यूरिन पे ध्यान दें, डिहाइड्रेटेड ना रहें, सबसे बड़ी चीज़ है ये। सो कोल्ड फ्लू इन्फेक्शंस को बिल्कुल इग्नोर ना करें, उनके वजह से भी किडनी पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। देन देर इज़ अ रीज़न कॉल्ड अल्कोहल। दारू, दारू ज़्यादा पीने से किडनीज ऑब्वियसली, पेशाब, डिहाइड्रेशन बढ़ता है, पेशाब ज़्यादा आता है अल्कोहल से। अल्कोहल क्या करता है उस पर भी वीडियो है हमारा, जाके देख सकते हैं। तो दारू ज़्यादा पीने से आपकी किडनी पे डबल स्ट्रेस पड़ेगा, यूरिन ज़्यादा आएगा और डिहाइड्रेशन होगा, किडनीज भी ख़राब होती हैं, स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादा दारू पीने के से। इसलिए टू मच अल्कोहल इज़ बैड, वेरी लिटल अल्कोहल सम टाइम्स इट्स ओके। अल्कोहल सेफ लिमिट का भी वीडियो हमने बनाया, ज़रूर देखिए, वो भी ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है। हमारे नाम के साथ, डॉक्टर एजुकेशन के साथ कोई भी टॉपिक लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और लास्ट में जो सबसे एक कॉमन रीज़न लोग कहते हैं किडनी ख़राब होते ही सबसे पहला काम करते हैं कि आपका प्रोटीन बंद कर देते हैं, कोई भी हाई प्रोटीन डाइट, दूध पीना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हाई प्रोटीन डाइट से किडनी पे क्या प्रॉब्लम है? होता है, बिल्कुल होता है, किडनी पे जोर पड़ता है। क्यों जोर पड़ता है? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में बहुत सारे नाइट्रोजेनिक या बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने का अल्टीमेटली काम किडनी पे आएगा। सो किडनी को सबको एक्सक्रीट करने के लिए पानी चाहिए, साथ में आपको अच्छे किडनी वाले हेल्दी वे में रहना चाहिए। अगर आप दारू पी रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, साथ में आपको मान लीजिए कैफीन भी ज़्यादा ले रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो भाई साहब बताइए आपकी किडनी नहीं डैमेज होगी? क्या करेगी वो गरीब, है ना, 3/4 तक, 75% तक डैमेज होके फिर हो जाएगा जय हो उसका। सो इसीलिए किडनी को बचाना है तो हर एक पॉइंट पे वर्क करिए, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और अपनी इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में लाइए, लेवल में, सेफ लिमिट में लाइए। प्रोटीन खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोटीन के साथ पानी ज़्यादा लेना है, अति प्रोटीन नहीं खाना है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेके 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक, इसी रेंज में खाना है, अति लेवल पे प्रोटीन नहीं खाना है, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट नहीं, मतलब 400-400 ग्राम, 300-300 ग्राम, 200-200 ग्राम प्रोटीन नहीं खाना होता, ठीक है, पर डे, ध्यान रखिए इस बात का। तो ये 5-6 चीज़ें करेंगे तो आपकी किडनी सेफ रहेगी। बाकी ज़रूर हेल्थ चेकअप रेगुलर कराइए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, किडनी जब तक 3/4 ख़राब नहीं होती, यानी 75% दोनों किडनियाँ जब तक ख़राब नहीं होती, आपको कोई सिम्टम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और किडनी में स्टोन आना मतलब किडनी ख़राब नहीं, लेकिन बार बार स्टोन आने से किडनी ख़राब होती है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनसे किडनी ख़राब होती है। तो शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सबको कंट्रोल करना ज़रूरी है, मेक श्योर। तो ये सारी बात का ध्यान रखेंगे, किडनी अपनी स्वस्थ रखेंगे, किडनी वाले पेशेंट्स या इन सारी बीमारियों वाले लोग जितने भी आपके साथ रहने वाले हैं,
जो दारू पीते हैं, जो ज़्यादा नमक खाते, बाहर का खाते हैं, या बहुत कम पानी पीते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, अति बॉडी बिल्डर बने पड़े हैं, या फिर जिनको बहुत मान लीजिए सब चीज़ का नॉलेज नहीं है आपके अकॉर्डिंग, तो उन सबको शेयर करिए, बताइए, आप शायद उनके कुछ मदद कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए प्रोफेशनल टिप्स की पूरी सीरीज़ देखिए, किडनी स्टोन्स पे पूरी सीरीज़ है वो भी देख सकते हैं, और लिखते रहिए, लाइव आते रहिए हमारे साथ, अच्छा लगता है। थैंक यू, आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।